कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सफेदी बालों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, चाहे आपके कम उम्र में आ रही हो या फिर बढ़ते उम्र में आ रही हो। चाहे लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो या औरत, सफेद बाल किसी को भी अच्छे नहीं लगते। अगर आपके बालों में कम समय में ही बाल सफेद होने की समस्या है, बहुत कुछ करके देख लिया फिर भी बाल आपके सफेद के सफेद बने हैं और बिल्कुल भी कवर नहीं हो रहे हैं, तो इस ऑयल को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये ऑयल आपके बालों में ना तो सिर्फ कालापन लाएगा, बल्कि आपके बालों में बनने वाले पिगमेंट को भी बूस्ट करेगा, क्योंकि इस ऑयल में ऐसी चीजें मिलाई गई हैं जो कि आपके मेलानिन को तेजी से बढ़ाने का काम करेंगी, साथ ही आपके बालों को बहुत ही तेजी से मजबूत भी करेंगी, लंबा करेंगी, मोटा करेंगी, घना करेंगी, बालों से जुड़ी हर समस्या को दूर करेंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल में न्यू है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की और हेल्दी बेनिफिट वाली वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। फ्रेंड्स, ये ऑयल बनाने के लिए आपको लेना है साफ सुथरा एक क्लीन बोल, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड इसमें आपको ऐड करना है 200 ml के लगभग मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। सो मस्टर्ड ऑयल को हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने एज अ मीजरमेंट जो कप है वो लिया है, ये 100 ml का है। इसमें 50 ml भी है एंड 100 ml है, जैसे कि एक थ्री नंबर्स इसमें ऐड होते हैं, तो 50 ml एंड 100 ml। सो मैंने इसमें 100 ml का लिया है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। और फिर अगेन से हम इसमें 100 ml का ऑयल लेंगे, यानी कि सरसों का तेल। हमें पूरे 200 ml इसमें मस्टर्ड ऑयल चाहिए, यानी कि सरसों का तेल चाहिए। सो मैंने यहाँ पे 200 ml के लगभग सरसों का तेल ले लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच के लगभग आंवला पाउडर। अगर आपका आंवला पाउडर घर का बना हुआ है तो बहुत बेस्ट है, नहीं है तो आप पंसारी की शॉप में, वहां पे आपको प्योर आंवला पाउडर मिल जाएगा, वो लीजिए। और नहीं मिलता है तब आप यहाँ पे मार्केट वाला यूज कर सकते हैं। अगर आप पंसारी की शॉप से लेके इसमें ऐड करते हैं, या फिर अगर आपने घर में खुद से बनाया हुआ है उसको ऐड करते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स देगा हमारे बालों के लिए। सो 1 चम्मच आपको इसमें ऐड करना है आंवला पाउडर, एंड इसके साथ आपको ऐड करना है ये पाउडर। ये पाउडर एज अ मेलानिन पाउडर है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेलानिन पाउडर क्या होता है। सो मैं आपको बताऊं कि मेलानिन पाउडर वो होता है जो कि आपके स्कैल्प को मेलानिन प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे बालों की सफेदी से जुड़ा होता है। अगर आपके बालों में मेलानिन कम होता है तो आपके बाल तेजी से सफेद होना शुरू होते हैं और जड़ से भी सफेद होने लगते हैं। अगर आप मेलानिन अपने बालों में पर्याप्त तौर पे इस जाता है तो आपके मेलानिन का पिगमेंट तेजी से बढ़ता है और आपके बाल जो सफेद हैं वो काले होने शुरू होते हैं, और जो जड़ से नए बाल आते हैं वो भी आपके काले आते हैं, सफेद नहीं आते हैं। सो मेलानिन हमारे बालों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और इसको बनाने के लिए इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इसकी वीडियो ले सकते हैं, देख सकते हैं और इसे बना के रख भी सकते हैं। सो मेलानिन वाली चीजें भी आप खा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, जिसमें कि विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, वो हमें मेलानिन बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। सो आपको 1 से 1.5 चम्मच ये मेलानिन पाउडर इसमें ऐड करना है। तो 1.5 चम्मच हमने इसमें मेलानिन पाउडर को डाल दिया, 1 चम्मच हमने इसमें आंवला पाउडर यूज किया। अब आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ऑयल में। इस ऑयल को आपको हीट नहीं करना है क्योंकि ठंडियां आ रही हैं, जैसे आप सबको पता है ठंडियों में लोग कहते हैं कि गर्म चीज लगानी चाहिए, बिल्कुल गर्म चीज लगानी चाहिए, लेकिन इस ऑयल को हीट करके नहीं करना है क्योंकि सरसों का तेल ऑलरेडी काफी गर्म होता है। सो हीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको इसे धूप में रखना पड़ेगा 1 दिन के लिए,
उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैंने अच्छे से यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। आपको इसे किसी कंटेनर में डाल देना है और एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, उसमें हवा पास ना हो और ना ही आपको गीला चम्मच उसमें इस्तेमाल करना है। सो इस तरह से ये रेडी हो गया है। इसको गैस पे हीट नहीं करना है, आपको एक दिन के लिए इसे बाहर धूप में छोड़ देना है, यानी कि धूप की किरणें जो इस पे पड़ेगी उसमें जो भी मतलब विटामिन डी जो है वो इसमें पर्याप्त तौर पे आएगा और ये धूप की ही किरणों से हीट होगा, यानी कि गर्म होगा, और इसको गैस पे आपको गर्म नहीं करना है। अगर आप गैस पे इस चीज़ को गर्म करते हैं, यानी ऑयल के साथ ये पाउडर्स मिक्स करके गैस पे गर्म करते हैं, तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो आपको इसे ओनली फॉर ओनली धूप में ही गर्म करना है, हीट करना है, केवल एक दिन के लिए आपको रखना है, एंड उसके बाद आप इसे कंटेनर में करके कवर कर लीजिए एंड अपने बालों में इसे अप्लाई करना है। बालों में अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल वैसे है जैसे कि आप ऑयलिंग अपने बालों में करते हैं। जिस दिन आपको हेयर वॉश करना हो उसके आधे घंटे पहले आपको इसे बालों में ऑयलिंग करना है अच्छे से और छोड़ देना है आधे घंटे के लिए, यानी कि 10 मिनट में आप इसे अच्छे से अपने बालों में लगा लेंगे एंड उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देना है। एंड छोड़ने के बाद आपको इसे वॉश करना है। आप चाहें तो तुरंत ही शैम्पू से वॉश कर सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है कि आपको प्लेन वाटर से वॉश करना है एंड उसके बाद ऑयलिंग ऑयलिंग ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले ऑयलिंग करनी है बाद में ऑयलिंग करनी है। सो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको यही ऑयल लगाना है, ऑयल लगाने के आधे घंटे बाद आपको शैम्पू से वॉश कर लेना है अपने बालों को, फिर अगेन आपको ऑयल नहीं लगाना है, बस यही ऑयल लगाना है। और हफ्ते में आप इसको 3 बार कर सकते हैं, जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हो उसके आधे घंटे पहले आपको इसे अपने बालों में अच्छे से जड़ों में लगा के मालिश कर लेनी है। आपके स्कैल्प में, जड़ों में, बालों की लेंथ में इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, लगाइएगा, और लगातार इसको अगर आप लगाएंगे, इस पाउडर वाले तेल को, इस सरसों के तेल को अगर आप लगातार लगाएंगे तो आपके जितने भी सफ़ेद बाल हैं वो काले हो जाएंगे, नए बाल भी आएंगे और आपके जो भी नए बाल आएंगे वो काले आएंगे। यहाँ पे ये आपके बालों की मजबूती तो देता ही है, बालों को मजबूत तो ये करता ही है, साथ ही साथ मेलेनिन पाउडर इसमें मिक्स है तो बालों में तेजी से मेलेनिन को बढ़ाने का भी काम करता है। तो ये ऑयल आपको बना के रख लेना है, आप इसे 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए बना के रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसी के साथ फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे।